हेलो डियर स्टूडेंट, जनरल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि विद्युतीय द्विध्रुव और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश का मान कितना होता है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युतीय द्विध्रुव में आवेश का मान शून्य होता है। तो देखते हैं कि ये होता कैसे है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या है? तो इसका डेफिनेशन होता है फ्रेंड, जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। तो देखते हैं, बोलता है समान परिमाण, मान लेते समान परिमाण Q है, Q आवेश ले लिए दो, क्या समान परिमाण और विपरीत प्रकृति, तो एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो हो गया विपरीत प्रकृति, हो गया ना। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, मान लेते हैं अल्प दूरी 2L है, 2L दूरी पर ये स्थित है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक बात और जान लें इसके बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युतीय द्विध्रुव का जो है आवेश का मान शून्य क्यों होता है? क्योंकि आवेश का परिमाण समान है लेकिन प्रकृति अलग अलग है, यानी कि एक माइनस है तो एक प्लस है, जब घटेगा तो ऑटोमेटिक है कि जीरो ही होगा। जब समान परिमाण रहेगा तो अगर वो आपस में एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो घटने के बाद तो जीरो होगा, कन्फर्म है वो। अब देखिए इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शून्य नहीं होगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसलिए शून्य नहीं होगा क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ इस बिंदु पर, ये बिंदु मान लेते हैं कुछ नहीं तो पी मान लेते हैं इस बिंदु को, ठीक है। तो इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में मैंने पढ़ा है कि वहाँ पर जो है नहीं कुछ तो प्लस वन धन आवेश रहता है, तो ये प्लस वन धन आवेश जो है ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ तो प्लस आवेश और प्लस आवेश में जो है विकर्षण होगा, तो इसका इसके कारण से बल इसके विपरीत जाएगा, लेकिन माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण इसका जो है बल इसके विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, यानी कि ये दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो इसका इसके कारण तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगा, तो इसका इसके कारण यहाँ पर कोण बनेगा 180 डिग्री, लेकिन इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान शून्य नहीं होगा। तो वही चीज़ के बारे में टॉपिक मैं नीचे में पढ़ूंगा अभी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, आगे है इलेक्ट्रिक डायपोल पर कुल आवेश का मान शून्य होता है, जो अभी मैंने अभी पढ़ाया कि इलेक्ट्रिक डायपोल पर कुल आवेश का मान शून्य कैसे होता है, तो एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है तो ऑटोमेटिक है कि आवेश का मान शून्य होगा, तो इसको जो है वी आई कर लीजिए। दूसरा है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान शून्य नहीं होता है, तो मैंने अभी बताया ना क्यों शून्य नहीं होता है, वही कारण है क्योंकि प्लस प्लस आवेश के कारण तो वहाँ पर विकर्षण होगा, लेकिन प्लस माइनस कारण आवेश के कारण अट्रैक्शन होगा, यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान शून्य नहीं होता है लेकिन कुल आवेश का मान शून्य होता है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसे पूछता कैसे है ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर है दूसरा प्रश्न है, विद्युतीय द्विध्रुव के में किसका मान शून्य नहीं होता है? तो विद्युतीय द्विध्रुव में अविद्युत, मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान शून्य नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक आवेश का परिमाण और उसकी लंबाई के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे पी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो फ्रेंड देखते हैं अब कि इसका जो है फार्मूला क्या आता है। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेता हूँ जो कि मैंने अभी ऊपर में बताया था, तो इसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है समान परिमाण का आवेश लेकिन प्रकृति विपरीत होती है,
इसकी लंबाई को 2L माने थे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? पी के द्वारा। तो ले लेते हैं पी, और बोला क्या जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक आवेश का परिमाण, तो कोई भी आवेश ले सकते हैं, चाहे प्लस रहे या माइनस, उसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मैं क्यू लेता हूँ। और उसके बीच की लंबाई के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं। तो बीच का लंबाई कितना है? 2L। तो फ्रेंड ये निकल गया इसका फार्मूला, यानी सूत्र हो गया ये। अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक जब यहाँ कूलम है, तो यहाँ पर क्या है इसका कूलम, यहाँ पर आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। और ये लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो इसका हो जाएगा कूलम मीटर। इसको CM याद रखने के लिए इसको आप चीफ मिनिस्टर याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड अब देखते हैं आगे, इसका बीमा देख लेते हैं, बीमा क्या होगा? तो यहाँ पर आवेश का बीमा होता है AT, और यहाँ पर लंबाई का बीमा हो जाता है L। तो फ्रेंड इसको हम याद रखने के लिए LAT लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लाट भी बोल सकते हैं याद रखने के लिए, कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या होता है। तो इसको लाट हम बोल सकते हैं कि लाट होगा इसका बीमा, LAT या फिर ATL, ठीक है। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है P = Q × 2L, जो मैंने अभी सूत्र निकाला। इसका SI मात्रक होता है CM, कूलम मीटर, इसको चीफ मिनिस्टर नहीं बोलिएगा। और दूसरा है कि यह एक सदिश राशि है, क्योंकि आपने देखा कि जब प्लस और माइनस दो विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से होगा, तो वो अट्रैक्शन होगा, और दो समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे के संपर्क में आएगा, तो उसमें जो है विकर्षण होगा। तो फ्रेंड यहाँ ये सदिश राशि हो गया। दूसरा है कि इसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तीसरा है कि अभी तुरंत मैंने बताया कि इसका जो बीमा होता है वह लात होता है LAT, हम ATL भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए मैंने LAT लिखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है, इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है यहाँ पर, देखिए क्या पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। तो अभी मैंने तुरंत बताया कि विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P = Q × 2L, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा है। दूसरा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का SI मात्रक क्या होता है। तो अभी मैंने तुरंत बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का SI मात्रक कूलम मीटर होता है, यानी कि इसको याद रखने के लिए आप CM चीफ मिनिस्टर याद रख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही। अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का दिशा कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, अभी तुरंत ऊपर में चर्चा किए थे। तो ये हो जाएगा इसका C नंबर ऑप्शन आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में है दूसरा प्रश्न, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कौन सी राशि है। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो सदिश राशि है, तो इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही। अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बीमा क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बीमा अभी तुरंत मैंने बताया LAT लात, याद रखने के लिए मैं इतना बार बोल ही दे रहा हूँ फ्रेंड कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बीमा क्या होता है, लात, LAT लात। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के और रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।